मैं कुछ पौराणिक कहानियों में से कुछ रहस्यों को सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। इन्हीं में से एक रहस्य है सच्चाई लक्ष्मण रेखा की। आम बोलचाल की भाषा में जब वाद विवाद के दौरान कोई अपनी मर्यादा को लांघने लगता है, अपनी हदें पार करने लगता है, तब प्रायः उसे लक्ष्मण रेखा नहीं पार करने की चेतावनी दी जाती है। आखिर यह लक्ष्मण रेखा है क्या जिसके बारे में बार बार चर्चा की जाती है? आम बोलचाल की भाषा में जिस लक्ष्मण रेखा का इस्तेमाल बड़े धड़ल्ले से किया जाता है, आखिर में उसकी सच्चाई क्या है? इस कहानी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये कहानी सच है भी या नहीं, आइए देखते हैं। किदवंती के अनुसार जब प्रभु श्री राम अपनी माता कैकेयी की इच्छा अनुसार अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ वनवास को गए, तब रावण की बहन शूर्पणखा श्री राम जी पर कामाशक्त हो उनसे प्रणय निवेदन करने लगी। जब श्री राम जी ने उसका प्रणय निवेदन ये कहकर ठुकरा दिया कि वो अपनी पत्नी सीता जी के साथ रहते हैं, तब वो लक्ष्मण जी के पास पहुंचकर प्रणय निवेदन करने लगी। जब लक्ष्मण जी ने भी उसका प्रणय निवेदन ठुकरा दिया, तब क्रुद्ध होकर शूर्पणखा ने सीता जी को मारने का प्रयास किया। सीता जी की जान को बचाने के लिए मजबूरन लक्ष्मण को शूर्पणखा के नाक काटने पड़े। लक्ष्मण जी द्वारा घायल किए जाने के बाद शूर्पणखा सर्वप्रथम राक्षस खड़ के पास पहुंचती है और अपने साथ हुई सारी घटनाओं का वर्णन करती है। शूर्पणखा के साथ हुए दुर्व्यवहार को जानने के बाद राक्षस खड़ अपने भाई दूषण के साथ मिलकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी पर आक्रमण कर देता है, लेकिन शूर्पणखा की आशा के विपरीत राक्षस खड़ अपने भाई दूषण के साथ श्री राम जी और लक्ष्मण जी के साथ युद्ध करते हुए मारा जाता है। अब शूर्पणखा के पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय इसके कि वो अपने भाई रावण से सहायता मांगे। इसके बाद घायल शूर्पणखा रावण के पास पहुंचकर प्रतिशोध लेने को कहती है। रावण अपने मामा मारीच के साथ मिलकर षड्यंत्र रचता है। रावण का मामा मारीच सोने का मृग का वेश बनाकर वन में रह रहे प्रभु राम सीता जी और लक्ष्मण जी के पास जा पहुंचता है। सीता जी जैसे ही उस सोने जैसे दिखने वाले मृग पर मोहित हो जाती हैं और श्री राम जी से उसे पकड़ने को कहती हैं, तो श्री राम जी की जिद के आगे उस सोने के मृग के पीछे राम जी को जाना पड़ता है। जब श्री राम जी उस मृग के बने रावण के मामा मारीच को वाण मारते हैं, तो मरने से पहले मारीच जोर जोर से हे लक्ष्मण हे सीते चिल्लाता है। ये आवाज सुनकर सीता जी घबरा जाती हैं और लक्ष्मण को श्री राम जी की सहायता करने के लिए कहती हैं। लक्ष्मण जी शुरुआत में तो जाने को तैयार नहीं होते हैं, परंतु सीता जी की बार बार जिद करने पर वो जाने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो कुटिया के चारों तरफ अपने मंत्र सिद्ध बाण से एक लकीर खींच देते हैं और सीता जी को यह कहते भी हैं कि जब तक राम और लक्ष्मण जी ना आए तब तक वो उस रेखा से बाहर नहीं निकलें, इस तरह से वो रेखा उनकी रक्षा करेगा। जब लक्ष्मण जी बाहर चले जाते हैं तो योजना अनुसार रावण श्री राम जी के अनुपस्थिति में सीता जी के पास सन्यासी का वेश लेकर पहुंचता है और सीता जी भिक्षा देने आती तो है, लेकिन उस लकीर के आगे नहीं जाती। ये देखकर सन्यासी का वेश बनाया हुआ रावण भिक्षा लेने से इनकार कर देता है और मजबूरन सीता जी को लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई उस लकीर के बाहर आना पड़ता है, जिसके बाद रावण सीता जी का अपहरण कर लेता है। लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई उसी रेखा को लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है। इस कथा के अनुसार श्री लक्ष्मण जी ने सीता जी की रक्षा के लिए जो लकीर खींची थी, अगर उसके वो बाहर नहीं आती तो उनका अपहरण रावण नहीं कर पाता। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में सबसे अधिक प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। आइए देखते हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण में इस तथ्य को कैसे उल्लेखित किया गया है। वाल्मीकि रामायण के अनर्णक कांड के 75वें सर्ग अर्थात 45वें भाग में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया गया है।
इस घटना की शुरुआत श्री राम जी द्वारा मारीच को अपने वाण से घायल करने और मरने से पहले मारीच द्वारा सीता और लक्ष्मण को पुकारने के बाद सीता के मन में घबराहट उत्पन्न होने और फिर सीता जी द्वारा लक्ष्मण जी से श्री राम जी की रक्षा के लिए जाने की शुरुआत से होती है। तो आगे मैं इसी किताब इस ग्रंथ का भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। उवाच लक्ष्मणम सीता गच्छ जानीहि राघवम, ये संस्कृत में लिखा है, इसका मैं हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ। तब जानकी जी ने उस वन में पति के कर्ण स्वर के सदी स्वर का आर्तनाद सुना, तब वे लक्ष्मण जी से बोली कि जाकर आप श्री रामचंद्र जी को देखो तो इस समय मेरा जी ठिकाने नहीं लग रहा है, चित न जाने कैसा हो गया है, क्योंकि मैंने परम पीड़ित और अत्यंत चिल्लाते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वर सुने हैं। अतः आप वन में जाकर इस आर्तनाद करने वाले अपने भाई की रक्षा कीजिए और शीघ्र जाइए, क्योंकि इस समय उनको रक्षण की आवश्यकता है। जान पड़ता है वो राक्षसों के वश में जा पड़े हैं, इसीलिए तो वो सिंहों के बीच पड़े हुए बैल की तरह विकल रहे हैं। सीता जी के इस प्रकार कहने पर भी लक्ष्मण जी नहीं गए, क्योंकि वो धर्म संकट में पड़ गए थे, क्योंकि उनके भाई श्री राम जी ने जाने से पहले सीता जी की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब घबरा कर सीता जी लक्ष्मण जी से रामचंद्र जी की रक्षा करने को कहती है, तब भी धर्म संकट में पड़े हुए लक्ष्मण जी नहीं जाते हैं, क्योंकि राम जी की आज्ञानुसार उन्हें सीता जी की रक्षा करनी थी। अपनी बात को न मानते देख सीता जी क्रुद्ध हो जाती हैं और लक्ष्मण जी पर अनगिनत आरोप लगाती हैं ताकि वो जाने को बाध्य हो जाए, और वो आए कहती हैं, क्या तुम महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी के बिना इस प्रकार निश्चित और स्थिर कैसे बैठे रह सकते हो? देखिए, आप श्री रामचंद्र जी के अधीन ही इस वन में आए हैं, और जब उन्हीं श्री रामचंद्र जी के जीवन संकट में हैं तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? तब मृग के समान डरती हुई सीता जी से लक्ष्मण जी ने इस प्रकार कहा, देखिए श्री रामचंद्र जी को कुछ भी नहीं हो सकता, गंधर्व मनुष्य राक्षस पिशाच किन्नर मृग भयंकर पशु अनगिनत जानवरों में ऐसा कोई भी नहीं है जो इंद्र के समान शक्तिशाली भगवान श्री रामचंद्र जी से युद्ध कर सके। श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में वैसे भी मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? अगर तीनों लोकों और समस्त देवता भी एक साथ इकट्ठा होकर रामचंद्र जी पर आक्रमण करें तो भी वो जीत नहीं सकते। उस मृग को मारकर श्री रामचंद्र जी जल्दी ही आएंगे, ये तो किसी बनावटी की माया लगती है। वह आगे कहते हैं, यह गंधर्व नगर की तरह कोई राक्षस की माया लगती है। आगे बताते हैं, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि खड़ आदि राक्षसों के मारने से सारे राक्षस जातियों से हमारा वैर हो गया है, इसीलिए हम लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह से तरह तरह की वो आवाजें निकाल रहे हैं। मैं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मान तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, किंतु यदि आप मुझे बहुत ज़्यादा जिद करती हैं तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तब हम देखते हैं कि लक्ष्मण जी सीता जी की इन बातों को सुनकर भी व्यथित नहीं होते, क्योंकि उन्हें अपने भैया श्री रामचंद्र जी की शक्ति पर अपार आस्था है, और वो सीता जी को समझाने की कोशिश भी करते हैं कि खड़ आदि राक्षसों की युद्ध के दौरान मृत्यु के बाद सारे राक्षस उनसे विरुद्ध हो गए हैं, इसलिए वो तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे हैं। लेकिन इन सब बातों को सुनकर भी सीता जी पर कोई असर नहीं होता, और उल्टे वो लक्ष्मण जी पर अनगिनत आरोप लगाने लगती हैं। तब अंत में जो लक्ष्मण जी हैं उनको सीता जी की बातों को सुनकर उनके पास कोई भी चारा नहीं रहता, और मजबूरी में उन्हें सीता जी को अकेले छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन जाते समय उनके मन में अनगिनत आशंकाएं उत्पन्न होती है। उनके मन में यह संदेह भी पैदा होता है कि क्या पता वो आगे सीता जी से मिल पाएंगे कि नहीं। लेकिन इसके बावजूद सीता जी की आज्ञानुसार लक्ष्मण जी को सीता जी को अकेले छोड़कर जाना ही पड़ता है।
आगे देखते हैं। इतने में एकांत अवसर पा रावण ने सन्यासी का वेश बनाया और तुरंत वह सामने जा पहुंचा। उस समय रावण स्वच्छ गेरुआ वस्त्र पहने हुए था, उसके सर पे चोटी थी, सिर पर छत्र लगाए हुए था, पैरों में खड़ाऊ था और हाथ पर त्रिदंड था और कमंडल भी लिए हुए था। और इसके बाद सीता रावण वहाँ पहुँचते ही सीता जी की प्रशंसा करता है। जब रावण सीता जी की प्रशंसा करने लगता है तब उस सन्यासी वेशधारी रावण को आया देख सीता जी ने उसका यथाविधि आतिथ्य सत्कार किया। सीता जी ने पहले बैठने के लिए आसन दिया, फिर पैर धोने को जल दिया, फिर फल आदि भोज्य पदार्थ देते हुए कहा, यह सिद्ध किए हुए पदार्थ हैं अर्थात भुने और पकाए हुए पदार्थ हैं। और इस प्रकार से जब रावण सीता जी की प्रशंसा करता है तो सीता जी भी रावण को सन्यासी समझकर उसका उचित सत्कार करती है और उससे अपना परिचय देने को कहती है। उत्तर में सन्यासी वेशधारी रावण अपना परिचय देना शुरू करता है और घमंड में अपने राक्षस होने का प्रमाण भी देता है। तब सीता जी भी प्रत्युत्तर में रावण को अपने पति श्री रामचंद्र जी के अद्भुत पराक्रम का वर्णन करने लगती है। तो ये देखते हैं क्या लिखा है। अब सीता जी कहती हैं, अब आप अपना नाम गोत्र कुल ठीक ठीक से बताइए और यह भी बताइए कि आप अकेले इस दंडक वन में क्यों फिरते हैं। जब सीता जी ने ऐसे वचन कहे तब महाबली राक्षस राज रावण ने कठोर कठोर वचन कहे, हे सीते, जिसके डर से देवताओं असुरों और मनुष्यों सहित तीनों लोग थर थर आते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूं। मेरे सामने कोई भी टिक नहीं सकता। यह उत्तर सुनकर सीता जी भी अपने पति रामचंद्र जी की बड़ाई करने लगती है, जिनकी बाहें चौड़ी हैं, जिनकी छाती मजबूत हैं और जो सिंह जैसे चलते हैं, वही पति मेरे पराक्रमी श्री रामचंद्र जी हैं। मैं उन राजकुमार जितेंद्रिय श्री रामचंद्र जी की अनुगामी हूँ, जिनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है और जिनकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है और वो रावण को फटकारती भी है। तुम सिगाल की भांति मुझ सिंहनी को चाहता है, लेकिन तुम्हारी ये बात कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। इस तिरस्कार को सुनकर रावण क्रुद्ध हो जाता है और क्रोध के मारे उसकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं। और रावण के ऐसे वचन सुनकर सीता जी कुपित होकर लाल लाल नेत्रों से रावण से अनगिनत कठोर वचन कहती हैं। तब इस अपना अपमान सुनकर रावण भी कहता है, मैं आकाश में बैठा बैठा अपनी भुजाओं से इस पृथ्वी को उठा सकता हूँ, समुद्र को पी सकता हूँ और काल को संग्राम में मार सकता हूँ। मैं अपने पैने वाणों से सूर्य की गति को रोक सकता हूँ और पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता हूँ। हे उन्मत्ते, मुझ इच्छारूप इच्छाधारी और मनोरथ पूर्ण करने वाले पति को देख तू जरा। लेकिन इसके बावजूद भी सीता जी उसका अपमान करती हैं। ऐसा अपमान सुनकर वो कहता है, ऐसा कहते हुए रावण की आंखें क्रोध के मारे लाल हो उठी। और उस समय कुबेर के भाई रावण ने अपने उस सन्यासी भेज को त्याग काल के समान भयंकर रूप धारण कर लिया। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो सीता जी हैं वो रावण के अभिमान भरे शब्दों से डरती नहीं है, अपितु अपने पति प्रभु श्री राम जी के पराक्रम का परिचय कराते हुए उसे धमकाती भी हूँ। स्वयं के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होते देख रावण क्रोध में आकर अपना रौद्र रूप प्रकट करता है और फिर सीता जी का अपहरण कर लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के पंचत्वरी सर्ग अर्थात 45वें भाग में इस घटनाक्रम में लक्ष्मण द्वारा सीता जी की रक्षा करने के लिए किसी भी प्रकार की लकीर या रेखा खींचने का वर्णन नहीं आता। जब सीता जी रावण से उसका परिचय पूछती हैं तो वो सन्यासी वेश में ही अपना संपूर्ण परिचय दे देता है। रावण यहाँ पर सीता जी के किसी लकीर से बाहर आने का इंतजार नहीं करता या सीता जी किसी लकीर के भीतर आने की कोशिश भी नहीं करती।
बल्कि सन्यासी के वेश में रावण अपना पूरा का पूरा परिचय दे देता है। रावण द्वारा स्वयं को राक्षस बताए जाने पर भी सीता जी पर कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ पर सीता जी का साहसी रूप प्रकट होता है और रावण से डरती नहीं बल्कि उसे धमकाती हैं। ऐसी साहसी स्त्री के लिए भला किसी रेखा की क्या जरूरत? लक्ष्मण रेखा के खींचे जाने की कहानी कब, कहाँ, कैसे और क्यों प्रचलित हो गई, इसके बारे में ना तो ठीक ठीक जानकारी ही प्राप्त है और ना ही कोई ठीक ठीक से अनुमान ही लगाया जा सकता है। अब कारण जो भी रहा है, लेकिन एक बात तो तय ही है, किसी ने इसके बारे में तथ्यों को खंगाला ही नहीं। सुनी सुनी सुनाई बातों को मानने से तो बेहतर ये है प्रमाणिक ग्रंथों में इनकी तहकीकात की जाए। और जहाँ तक तथ्यों की प्रामाणिकता का सवाल है, वाल्मीकि ग्रंथ से बेहतर ग्रंथ भला कौन सा हो सकता है? और जब हम लक्ष्मण रेखा के संदर्भ में वाल्मीकि रामायण की जांच पड़ताल करते हैं तो ये तथ्य निर्विवादित रूप से सामने निकल कर आता है कि लक्ष्मण रेखा कभी अस्तित्व में आई ही नहीं थी। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में इस तरह की लक्ष्मण रेखा खींचने का जिक्र नहीं आता है। लक्ष्मण रेखा की घटना को आम बोलचाल की भाषा में, जो कि सर्वव्याप्त है, दरअसल कभी अस्तित्व में था ही नहीं। लक्ष्मण रेखा की वास्तविक सच्चाई तो ये है कि लक्ष्मण रेखा कभी खींची ही नहीं गई। तो दोस्तों, ये थी एक रहस्यपूर्ण घटनाओं में से एक, सच्चाई लक्ष्मण रेखा की। और आप लोगों ने सुना, इसके लिए धन्यवाद।